हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियों का मौसम आ चुका है और मेरे पास है श्रीखंड के ये बॉक्स। बाकी का मुझे पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में ये बहुत फेमस है, लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। और ये वारना ब्रांड का है। वारना ब्रांड बेसिकली जो इसका मैन्युफैक्चरिंग है वो कोल्हापुर में है। और जो ये पैक है, ये मैंने तीन अलग अलग फ्लेवर लिए हैं। ये जो पहला फ्लेवर है ये है बादाम पिस्ता, और एक है मेरे पास आम का, और मेरे पास तीसरा है केसर इलायची। और ये तीनों डब्बे 250 ग्राम ईच है और इनका एमआरपी है 68 रुपीज़। वरना की और भी प्रोडक्ट हैं, उसमें दूध भी है, लस्सी भी है, और भी काफ़ी सारे मिल्क प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैंने चूज़ किए हैं ये श्रीखंड के डब्बे। तो आज हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। मैंने काफ़ी सुना है इसके बारे में, इसका टेस्ट बड़ा अमेजिंग है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे श्रीखंड आते हैं, अमूल का आता है, बाकी भी और लोकल ब्रांड के आते हैं जो महाराष्ट्र में अवेलेबल हैं। तो चलिए अब हम बिना अपना टाइम वेस्ट किए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि जो ये फ्लेवर है इनका टेस्ट कैसा है। तो सबसे पहले मैं ओपन करती हूँ बादाम पिस्ता, मैंगो, केसर इलायची। तो अब हम बारी बारी तीनों को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि किसका टेस्ट बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करती हूँ केसर इलायची। इसमें इलायची का फ्लेवर काफ़ी आ रहा है, टेक्सचर एकदम स्मूथ है, बहुत क्रीमी है, बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, जस्ट बेस्ट है ये। इसके बाद मैं टेस्ट करती हूँ आम का, जिसे आम्रखंड भी कहते हैं। कोई कह ही नहीं सकता इसको खाने के बाद कि ये मतलब ऐसे स्टोर किया हुआ है। इसे खाने के बाद मैंगो का ऐसे रियल मैंगो का टेस्ट आ रहा है, जैसे रियल मैंगो में हम दही मिक्स करके खा रहे हैं, जस्ट ऑसम। और दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा है, एकदम स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर है। अब हम टेस्ट करते हैं बादाम और पिस्ता। पिस्ता के और बादाम के टुकड़े आ रहे हैं इसमें खाते हुए, बहुत ऑसम टेस्ट है। तीनों बेस्ट हैं, मैं कंपेयर नहीं कर सकती तीनों को। मैंने बाकी भी ब्रांड के टेस्ट किए, लेकिन इतना यमी टेस्ट, क्रीमी स्मूथ टेक्सचर मैंने किसी ब्रांड के श्रीखंड का नहीं खाया है। और जो इसमें इंग्रेडिएंट हैं, चक्का है, शुगर है, सॉल्ट है, और जिसका फ्लेवर है इलायची, केसर है, इसमें बादाम, पिस्ता, बस वही सब ऐड है। इसमें कहीं लिखा नहीं है कि इसमें प्रिजर्वेटिव मिक्स है। ये गुड न्यूज़ है, मतलब इसे बच्चे भी खा सकते हैं, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव मिक्स नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद आए इसके तीनों ही फ्लेवर, और मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसे एक बार ज़रूर टेस्ट कीजिए। आई गारंटी यू, आई चैलेंज कि जब अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो आप बाकी किसी ब्रांड का श्रीखंड खाना छोड़ देंगे। तो फटाफट आप भी मार्केट जाइए और वारना ब्रांड का श्रीखंड लेकर आइए, टेस्ट में बेस्ट। तो चलिए मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।